हाय, मैं हूं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। हाँ तो भाई, आज मैं बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट पर आने वाली अपकमिंग सेल के बारे में। मतलब कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर अगस्त में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में कौन कौन सी सेल आने वाली है, तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, तो आप सभी के लिए सबसे अच्छी सेल कौन सी होगी, और आप सभी को यहाँ पर कौन सी सेल का वेट करना चाहिए, मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप सभी को अपकमिंग सेल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में YouTube से भी पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसी महीने की, यानी कि अगस्त के महीने में हम सभी को फ्लिपकार्ट पर कौन कौन सी सेल मिलने वाली है। तो 20 अगस्त के बाद हम सभी को फ्लिपकार्ट पर दो सेल देखने को मिल सकती है। पहला सेल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सेल, दूसरा सेल का नाम है मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सेल आती है तो इस सेल में हम सभी को ओनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ही डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, ईयरफोन हो गया, TWS हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सेल में हम सभी को लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डिस्काउंट मिलता है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक सेल में आप सभी को दूसरे कैटेगरीज में ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात आप लोग जरूर याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक सेल में हम सभी को ठीक ठाक ही डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट का उम्मीद मत करना। हाँ, अगर मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल आती है तो हम सभी को इस सेल में ओनली फोन पर ही डिस्काउंट मिलेगा, वह भी ठीक ठाक डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, इस महीने में हम सभी को ये दोनों सेल देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि हम सभी को सितंबर में कौन कौन सी सेल मिलने वाली है। तो जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगी तो हम सभी को ढेर सारी सेल मिलने वाली है। मतलब कि 1 तारीख से हम सभी को मोटो डेज, रियलमी डेज, ओप्पो डेज, वीवो डेज और Xiaomi डेज, ये सारी सेल देखने को मिलने वाली है। ये सारी सेल में हम सभी को ठीक ठाक ही ऑफर मिलता है। जैसे कि मोटो डेज सेल आती है तो हम सभी को मोटोरोला के सारे फ़ोन में डिस्काउंट मिलेगा। रियलमी डेज सेल आती है तो हम सभी को रियलमी के आइटम में डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि रियलमी डेज सेल में हम सभी को रियलमी के फ़ोन में डिस्काउंट मिलता है, स्मार्ट वॉचेस में या फिर रियलमी का ईयरफोन में, लैपटॉप में, तो हम सभी को ओनली रियलमी के ही आइटम में डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद हम सभी को 4-5 सितंबर से बिग बजट धमाल सेल मिलने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पर बिग बजट धमाल सेल का वेट करते हो तो इस सेल में हम सभी को जनरली ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट मिलता है, फैशन के आइटम में डिस्काउंट मिलता है या फिर होम एंड किचन में डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि इस सेल में हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डिस्काउंट मिलेगा या फिर फोन्स पर डिस्काउंट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जिसको भी ग्रोसरी आइटम को बाय करना है या फिर आप सभी को फैशन आइटम को बाय करना है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इसी बिग बजट धमाल सेल का वेट कर सकते हो। इसके बाद हम सभी को सितंबर में कौन सी सेल मिलने वाली है। तो सितंबर में हम सभी को, मतलब कि 10 सितंबर के बाद बिग सेविंग डे सेल मिलेगी, और ये बिग सेविंग डे सेल सितंबर महीने की सबसे बड़ी सेल होगी। तो इस सेल में आप सभी को फोन्स को बाय करना है, ग्रोसरी आइटम को बाय करना है, टीवी एंड अप्लायंसेस को बाय करना है, फर्नीचर को बाय करना है, या फिर दोस्तों आप सभी को फैशन आइटम को बाय करना है, मतलब कि कुछ भी आइटम को बाय करना है, तो आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो इसी वीक सेविंग डे सेल का। आप सभी को इस वीक सेविंग डे सेल में सारी कैटेगरीज में ऑफर मिलेगा क्योंकि ये सितंबर की सबसे बड़ी सेल होगी, और वीक सेविंग डे सेल लगभग हर एक मंथ में हम सभी को देखने को मिली जाती है। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इस सेल का वेट कर सकते हो। लेकिन पिछले 2 या फिर 3 वीक सेविंग डे सेल में हम सभी को कोई खास ऑफर देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार, मतलब कि जो सितंबर में वीक सेविंग डे सेल आएगी, उस सेल में हम सभी को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके बाद हम सभी को सितंबर में कौन सी सेल मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से 20 सितंबर के बाद हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक सेल मिल सकती है या फिर हम सभी को मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल देखने को मिल सकती है। वैसे मैंने आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक सेल के बारे में और मंथ एंड सेल के बारे में अच्छे से समझा ही दिया। हाँ, इसके बाद हम सभी को कौन सी सेल मिलेगी। और देखिए, कई लोग यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि हम सभी को सितंबर में बिग बिलियन डे सेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल पर तो दिख रहा है कि हम सभी को सितंबर में ही बिग बिलियन डे सेल मिलने वाली है। सितंबर में ही, मतलब कि 23 सितंबर से इस बार बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होगी, जो कि यह डेट 100% गलत है क्योंकि यह डेट पिछले साल की है। देखिए, बिग बिलियन डे सेल हमेशा दुर्गा पूजा के फर्स्ट पूजा से 1 या फिर 2 दिन पहले, या फिर 3 दिन आप लोग यहाँ पर मान के चलो, दुर्गा पूजा के 2 या फिर 3 दिन पहले से हम सभी को बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलती है। तो इस बार 2023 में दुर्गा पूजा कब से स्टार्ट होने वाली है। तो 2023 में दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, अभी आप लोग कन्फर्म मान के चल सकते हो कि बिग बिलियन डे सेल 2023 में हम सभी को 12 या फिर 13 अक्टूबर से हम सभी को मिलने वाली है। हाँ, ये डेट 1 या फिर 2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये कन्फर्म मान के ही चलो कि इस बार हम सभी को 10 अक्टूबर के बाद से बिग बिलियन डे सेल मिलने वाली है, और तभी हम सभी को अमेजोन पर ग्रेट
ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल मिलेगी या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये दोनों सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है। तो आप सभी को यहाँ पर इस सेल में कोई भी आइटम को बाय करना है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली ये दोनों सेल का वेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये दोनों सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है। तो इस सेल में हम सभी को सारी कैटेगरीज में अप टू 50 या फिर 70% तक का ऑफर मिलने वाला है। फोन्स को बाय करना है तगड़े डिस्काउंट में तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो। लैपटॉप को बाय करना है, एसी, टीवी, फ्रिज, कोई भी आइटम को बाय करना है तो आप लोग यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल का वेट करो, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल में आप सभी को जितना डिस्काउंट मिलेगा कोई भी सेल में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आप सभी को आईफोन में भी मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर आईफोन 13 को बाय करना है, 14 को बाय करना है, 12 को बाय करना है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली वेट कर सकते हो। वैसे मैंने आप सभी को कई बार बोला कि आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो, कर सकते हो। इसके बाद हम सभी को अक्टूबर लास्ट में दिवाली सेल मिलेगी। वैसे मैं दिवाली सेल के बारे में कोई और वीडियो में बात करूंगा। वैसे मैंने आप सभी को बता दिया कि अगले 3 महीने में, यानी कि अगले 2 महीने ही आप लोग मान के चल सकते हो कि हम सभी को फ्लिपकार्ट पर कौन कौन सी सेल मिलने वाली है। और मैंने आप सभी को अमेजॉन सेल के बारे में भी बता दिया, मतलब कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।